लाल डायरी का मुद्दा उठाया गया, जो लाल डायरी सामने आई है, तो है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, पर राजस्थान हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको निकाल दिया, वो मंत्री नहीं है, वो जो मंत्री पद से हटाया गया, मंत्री पद से हटाया गया, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सारी महिलाएं जो आज आई हैं, छावसरी की जो महिलाएं सारी आई हैं, 36 कौम की, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो आज मेरी बात रखने के लिए या मेरी इज्जत बचाने के लिए यहाँ सब ये महिलाएं आई हैं, और आज इनका सबका काम है ये। आज जो महिला सम्मान की जो बात हो रही है, मंत्री जी को जो विधानसभा से जो बाहर निकाला गया है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, महिलाओं से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम विधानसभा तक जाएंगे, वहाँ धरना देंगे, और हम मुख्यमंत्री साहब से पूछेंगे कि हमने क्या गलत बोला है। विधानसभा में जो मुद्दा उठाया गया है महिलाओं के सम्मान की बात पे, तो वो क्या गलत बोल गए वहाँ पे, जो उनको मंत्री पद से हटाया गया, क्यों, उनका जवाब हमें दीजिए। हम महिलाएं सब साथ में हैं, और जो आज ये मेरा मान सम्मान रख रहे हैं यहाँ पे आके, तो हम ये कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मुख्यमंत्री साहब से ये, मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि ये बीजेपी की कोई चाल है, बीजेपी नहीं, ये करवा रही सभी। अगर हम बीजेपी से मिलते तो पहले चले जाते, क्यों इनकी सरकार बचाई मंत्री साहब ने दो बार, गुड़ा साहब ने क्यों बचाई दो बार सरकार, हम पहले चले जाते। लाल डायरी का खुलासा कब होगा, वो तो मंत्री साहब अब आगे बता देंगे, और वो तो अगर उनको इतना ही डर लगा लाल डायरी का, तो फिर क्यों उनको टेबल करने नहीं दिया, आप बताइए। लगातार उन पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, वो मुकदमे सही है या फिर झूठे हैं? झूठे हैं क्या, बताओ आप किस चीज पे लगा रहे हो आप। जो लाल डायरी का मुद्दा उठाया गया, जो लाल डायरी सामने आई है, तो उसमें नहीं था कुछ भी, तो उनको टेबल करने देते विधानसभा के अंदर, क्यों नहीं करने दिया। सुनना माया बिहारी है कि पहले कैदी हो कटे तक सही है, ये तो मंत्री साहब ही जवाब देंगे इस चीज का, तो जो भी लड़ाई है, पर हम सब महिलाएं मंत्री साहब के साथ में हैं, और ये हम गांव-गांव में जा रहे हैं, ढाणी ढाणी जा रहे हैं, सारी महिलाएं साथ होके, और लास्ट में ये बड़ी मीटिंग होगी, सारी महिलाएं विधानसभा में जाके धरना देंगी, और मुख्यमंत्री साहब से ये इनका सवाल पूछेंगे कि इनको क्यों हटाया गया मंत्री पद से, और क्या गलती करी जो के नाम इनको मान सम्मान, महिला की मान सम्मान की बात आई और उनको मंत्री पद से हटा दिया। ये पूछना चाहते हैं कि वो बोलते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, हाँ 100% अग्री करती हूँ मैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, पर राजस्थान उन मर्दों का प्रदेश है जिन्होंने अपना सर कटा दिया एक महिला के सम्मान के लिए, और जैसा जैसा बुढ़ा साहब ने पहले कहा भी था कि हम राव शेखा के वंशज हैं, जिनकी 3 पीढ़ियां एक साथ रलापता में कट गई थी महिला के सम्मान के लिए, तो उसके साथ हम सारी महिलाएं लड़कियां सब स्टैंड करती हैं और करती रहेंगी, और जैसा आप एक एक से पूछ लीजिए यहाँ पे, उन सब का यही स्टैंड है कि मंत्री साहब ने कुछ गलत नहीं किया, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनको निकाल दिया, वो मंत्री नहीं है, वो इन सब के लिए उसी बराबर हैं। और रही बात पार्टी की टिकट की, तो राजेंद्र गुड़ा साहब खुद एक ब्रांड है, जैसा आप यहाँ पे किसी से भी पूछ सकते हैं कि वो अपने स्टैंड पे बरकरार है। पार्टी के लिए नहीं, अपनी लड़ाई के लिए अपने साथ हैं, वो चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे